नमस्ते दोस्तों। दोस्तों बिदारी कंध, अश्वगंधा, पठानी लोध और डिक्का माली, ये चार ऐसी औषधियां हैं। इनका उपयोग करके आप अपने पशुओं की सबसे बड़ी समस्या, आज के दिन की सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों अक्सर मेरे पास किसानों के बड़े फ़ोन आते हैं और किसानों की सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगती है, आज 50% हिंदुस्तान का किसान इस समस्या से बड़ा परेशान है कि उनके पशु समय पे प्रेग्नेंट नहीं होते, उनके पशु गर्भवती नहीं होते। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, शायद आप सभी जानते हैं कि पोषक आहार अगर हमारे पशुओं को कम मिलेगा तो उनको मिनरल्स विटामिन्स पूरे नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमारे पशु समय पे हिट में नहीं आते। तो इसके लिए आपको मैं कुछ औषधियाँ बताने जा रहा हूँ, उनका उपयोग करें, आपके पशु 100% हिट में आएंगे। लेकिन औषधियों का उपयोग कब करना है, कैसे करना है, उसके बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने पशुओं को अच्छी क्वालिटी की फीड खिलाएं, आप अपने पशुओं को अच्छी क्वालिटी का मिलरंस खिलाएं, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। फिर भी अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाए तो मैंने आपको जो चार औषधियाँ बताई हैं, कौन कौन सी दोबारा नोट कर लीजिए, अश्वगंधा, बिदारी कंध, पठानी लोध और डिक्का माली, ये चार औषधियाँ आप बाज़ार से ले कर आएँ, पंसारी से लगभग 100-100 ग्राम की मात्रा में ले लो, आप एक अडल्ट पशु के लिए काफ़ी रहेंगी। इनको आप ग्राइंड कर लो, कूट लो, कूट के इनको आप आपस में मिला लो, मिला के 100 ग्राम की मात्रा दवाई की, दवाई बोले तो जो जड़ी बूटियाँ आपके पास है वो, और 100 ग्राम गुड़, दोनों को आप कूट के लड्डू बना के अपने पशुओं को रोज़ खिला दीजिए 4 दिन। आपका पशु 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आगे का हो जाएगा, मतलब कि हिट में आ जाएगा, गर्म हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों दो बातें हैं, ये कौन से पशु को कब खिलानी चाहिए। एक तो किसान भाई कहते हैं कि उनके पशु हर 20वें दिन तार बालवे डालते हैं, यानी कि योनि मार्ग से जो सफ़ेद सफ़ेद तरल डालते हैं वो डालते हैं, और वो तरल भी बिल्कुल वाइट होता है, जैसा हम पानी पीते हैं वैसा होता है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी हमारे पशु गर्म नहीं होने पाते। ये फार्मूला उनके लिए है। अगर आपके पशु तार वाल्वे डाल रहे हैं तो आप 4 दिन ये औषधि खिलाइए, आपका पशु 100% प्रेग्नेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पशु तार वाल्वे भी नहीं डाल रहा है तो भी ये औषधियाँ आपके पशु पर कोई कार्य नहीं करेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने पशुओं के जो पोषण आहार हैं, अपने पशुओं की फीड है, उसको चेंज कर देना है। क्योंकि हम अपने पशुओं को जो दलिया खिलाते हैं, खल खिलाते हैं, उसमें पूर्ण रूप से पोषक आहार नहीं मिलते। तो आप अपने पशुओं को अच्छी क्वालिटी की फीड खिलाना शुरू कर दीजिए, अच्छी क्वालिटी का मिलरंस खिलाना शुरू कर दीजिए, तो आपके पशु हर 20वें दिन डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। और जब आपके पशु डिस्चार्ज हों, अपने आप कुदरती तरीके से अगर वो हिट में आ जाए तो डी बेस्ट है, बहुत अच्छा है, नहीं तो इन चार औषधियों का आप उपयोग कीजिए, आपके पशु 100% हिट में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा, साधारण सा, सस्ता सा फार्मूला है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, नाम की जड़ी बूटियाँ ना हो, जड़ी बूटियाँ हसली हो। आप जहाँ से भी जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करें, ले के आएँ, वहाँ पे बोले कि हमें अच्छी क्वालिटी की जड़ी बूटी दे, ताकि आपका पशु समय पे प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, इनके लिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुदरत ने हजारों लाखों की संख्या में हमें औषधियाँ दी हैं, अगर 1% औषधियों का भी 10% भी हमें अनुभव हो गया तो हमारे पशुओं में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, और पशुपालन व्यवसाय में हम लाखों कमा सकते हैं। तो इसी तरह की छोटी छोटी बीमारियों का इलाज आप अपने हाथों से करें। धन्यवाद।